प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद। देखिए, बहुत सारे दोस्तों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विषय है ITITs। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो आपका पेपर किस प्रकार से बनने वाला है उसके लिए जो प्रश्न बताने वाला हूँ वो आप लोगों को बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 10वीं वाले जुड़ चुके हैं, एक बार आप अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन है आपके जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार ये प्रश्न दे के गए हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में दिए गए डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपयोग की जाती है। तो इसमें जो विशेषताएं उपयोग की जाती है वो की जाती है पिक्चर फ्रॉम फाइल वाली विशेषताएं आपकी उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राइटर में स्टाइल मेन्यू काम करने के विकल्प प्रदान करता है। तो ये करता है पैरा स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल। कहने का मतलब यह है उपरोक्त तो सभी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है। तो इसमें जो टेम्पलेट है दोस्तों वो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये सभी आपके राइट आंसर है। इससे आपको जल्दी क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे, इस कारण से इस प्रकार से आपको इसको देखने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है पोर्ट वाला, निम्न में से कौन आपके पेज डॉक्यूमेंट की स्टेटस पृष्ठों की संख्या बताता है। तो स्टेटस बार। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि स्टाइल मेन्यू को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये किया जाता है F11 फंक्शन कुंजी और साइड बार मेन्यू और टूल बार फॉर्मेटिंग, उपरोक्त सभी मतलब सभी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, पृष्ठ की पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली फेंटली दिखाई देती है उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है वाटर मार्क कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेट में JPG या JPEG का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला क्वेश्चन, ड्राइविंग ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज़ टूल बार में प्रदान किए गए समूह विकल्प है। तो इसमें जो एग्जिट ग्रुप होता है, अनग्रुप और ग्रुप एंटर, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी इसमें आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है कि निम्न में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए, GIF और JPEG और ऑडिट और PNG, ठीक है। तो इसमें जो फाइल एक्सटेंशन नहीं है वो जो नहीं है वो ODT नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इमेज टूल बार किसके लिए एक उपकरण प्रदान नहीं करता। तो इमेज टूल बार किसके लिए एक उपकरण प्रदान नहीं करता, तो ये नहीं करता कॉपी के लिए, कॉपिंग के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनके करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को ये पूरा PDF देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पर। रिक्त स्थान यदि आप देखेंगे तो ये भी आपको राइट आंसर के साथ मिल जाएंगे। कहाँ पर मिल जाएंगे, नीचे आपको मिल जाएंगे। ये रहे आपके खालिस्तान के सभी करेक्ट आंसर, अभी जो खालिस्तान बताएं उनके आंसर हैं दोस्तों। और उसी प्रकार हम बात करें सत्यापत्य की, तो विषय टेबल में विषय हाइपर लिंक है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर सत्यापत्य भी आपको देखने को मिल रहा है, जो वाक्य सत्य है उसके वहाँ पर सत्य मिल रहा है, जो असत्य है वो गलत मिल रहा है आपको लिखा हुआ। तो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा, लघु उत्तर प्रश्न भी है और इसके आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे, ये आंसर रहे हैं, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे वीडियो को निकाल रहा हूँ, वीडियो को रोककर इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। आपकी होने वाली IT की परीक्षा के लिए ये वीडियो रामबाण सिद्ध होगा। तो जो दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। जो हमारे दोस्त इसको देख रहे हैं और जो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, आप लोग सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जिनने नहीं करा है वो सब्सक्राइब ज़रूर
करिएगा। देखिए ये पूरा है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वैसे भी आपको आंसर सही थी पूरा बता दिया है, देखिए पूरा देख लीजिए आप अच्छे से। जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। अगला वीडियो हम जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ ही आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका गुड नेम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।